हाय, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चरक क्लिनिक्स मोहाली, आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों की हेल्थ के बारे में मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करता हूँ और आज का टॉपिक है छोटे बच्चे में, एक से दो साल तक की उम्र के बच्चे में बार बार खांसी जुकाम होना। पहली चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि पहले और दूसरे साल में हर बच्चे को चार से पांच बार बीमार होना ऑलमोस्ट नॉर्मल है, ये एवरेज है। सो अगर आपके बच्चे को एक साल में हर दो महीने में लेटस से खांसी जुकाम होता है, या कभी लूज मोशन हो जाते हैं, या कभी सिर्फ हल्का फुल्का बुखार होता है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉबेबली नॉर्मल है। अगर आपके बच्चे को बार बार खांसी हो रही है और उसको कई बार नेबुलाइजेशन की ज़रूरत यानी डॉक्टर के पास भाप लेने की भी ज़रूरत पड़ रही है पहले एक या दो साल में, तो शायद इसके अंदर हमारे को और चीज़ें ढूंढने की भी ज़रूरत हो सकती है। तीन या चार चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं अगर बच्चे को बार बार खांसी हो रही हो, बार बार जुकाम हो रहा हो। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है और इस वजह से उन्हें बार बार इन्फेक्शन हो सकती है। इस केस में हम बच्चे को अच्छी डाइट, लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जूस और फ्रूट्स, अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ऊपर है, ये सब दे सकते हैं। विटामिन के सप्लीमेंट्स भी बच्चे को दिए जा सकते हैं अगर उनके अंदर कोई कमी पाई जाए। इसके अलावा बच्चे के अंदर एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। एलर्जी नॉर्मली फैमिली में और मेम्बर्स को भी होती है और ये बच्चों में 6 महीने के बाद भी देखी जाती है। रेयरली बच्चे को काउ मिल्क एलर्जी हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को जो दूध है उस दूध से ही इरिटेशन हो रही है बच्चे की छाती में, और इस केस में हमें कई बार दूध का जो फॉर्मूला है वो बदलना पड़ता है। गाय के दूध की बजाय हमें स्पेशल डब्बे के दूध देने पड़ते हैं या सोया मिल्क देना पड़ता है ताकि उसे बार बार खांसी ना हो। ये चीज़ आप कृपया खुद मत करें, बट अपने बच्चों के डॉक्टर से पूछ के ही करें, या ऑफकोर्स हमारे क्लिनिक पे कांटेक्ट करें, हम आपसे इस बारे में डिटेल डिस्कशन भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छोटे बच्चों में कई बार कई रेयर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि छाती में कोई रसौली हो, या कोई जननांत्रु नुक्स हो, या रिफ्लक्स हो बच्चे के अंदर, जिसकी वजह से आपके बच्चे को बार बार खांसी आ सकती है। ये सारी चीज़ें आपके पीडियाट्रिशियन ही बच्चे को चेक करके बता सकते हैं, और इस केस में मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि एक बच्चों के अच्छे डॉक्टर से मिलें और अपने बच्चे का प्रॉपर इलाज करवाएं। धन्यवाद।